नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार के शहर के लिए जल्द ही शुरू होगी विमान सेवा। बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने वाले इतने कर पाएंगे खर्च। मोबाइल टावर लगाने के लिए बिहार में 3 दस्तावेजों की होगी जरूरत। आज से शुरू होगी बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा। सेंटर पर जाने से पहले जान लें ये नियम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार में नियुक्ति के बाद से वेतन का इंतजार कर रहे 42,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने नव चयनित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षक निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को शिक्षक नियोजन 2019-20 के चयनित अभ्यर्थियों के वेतन भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया है। हालांकि वेतन उन शिक्षकों को दिया जा रहा है जिनके प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है। इसमें ही लगभग 41,000 शिक्षकों का चयन किया गया है। बिहार के शहर के लिए जल्द ही शुरू होगी विमान सेवा। विमान से सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए अहम सूचना। बिहार में जल्द ही एक और शहर से विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भागलपुर एयरपोर्ट से जल्द ही विमानों का परिचालन शुरू होने वाला है। इसको लेकर विमान कंपनी राइप एयरलाइंस ट्रायल के लिए सहमति दे चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 3 मई को कंपनी इसके ट्रायल का काम शुरू करेगी। एयरपोर्ट से फिलहाल 25 से 30 सीटर विमान के उड़ान भरने की बात कही जा रही है। शुरुआती दौर में राइप एयरलाइंस भागलपुर से पटना और कोलकाता की सेवा देगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर इस एयरलाइंस के CMT समेत अन्य अधिकारियों ने एयरपोर्ट के रनवे का निरीक्षण कर लिया है। बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने वाले इतना कर पाएंगे खर्च। बिहार में जल्द ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है। राज्य में इस बार निकाय चुनाव के दौरान पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार का चुनाव सीधे जनता करेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सारी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने का काम हो रहा है। इसी कड़ी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर कितना खर्च किया जा सकता है, सरकार ने यह भी तय कर दिया है। सरकार की तरफ से जो फॉर्मूला तय किया गया है, उसके अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इसका पालन करना होगा। राज्य में मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार चुनाव में 30 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, जबकि विधानसभा उम्मीदवार के लिए ये सीमा 40 लाख है। ये फॉर्मूला नगर पंचायत, नगर परिषद के सभापति और उपसभापति के पद पर भी लगाया गया है। बिहार का जहानाबाद जिला बना देश का ऐसा पहला जिला जिसे मिला 2 पुरस्कार। पंचायती राज में बेहतर काम करने के लिए बिहार के कई पंचायतों को बीते दिन नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये काम किया है। इस दौरान ही बिहार के जहानाबाद जिला वासियों के लिए खुशी की खबर सामने आई है, क्योंकि बिहार का जहानाबाद जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां पंचायती राज में काम करने के लिए उसे 2 पुरस्कारों से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के जहानाबाद सदर प्रखंड के मानदिल पंचायत के मुखिया बबलू कुमार को एक नहीं बल्कि 2 पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार और सम्मान पत्र DM हिमांशु कुमार रॉय ने सौंपा, जबकि जिला प्रशासन और मुखिया वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। CBSE की परीक्षा केंद्र पर मनोवैज्ञानिक होंगे उपस्थित। 2 साल के बाद छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में CBSE की Term 2 की परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र पर मनोवैज्ञानिक को रखने का निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में अगर किसी भी छात्र को परीक्षा देने में दिक्कत आती है या घबराहट होती है तो मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग कराई जा सकती है। इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज की तरफ से सभी केंद्र अधीक्षक को दी जाएगी। इसका आयोजन 25 अप्रैल को 11 बजे ऑनलाइन किया जाएगा। इसको लेकर परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि COVID-19 दिशा निर्देश की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इस वेबिनार में हर प्रचारक को जुड़ना अनिवार्य किया गया था, जिसके बाद ये परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज है। आज जारी हो सकते हैं BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रवेश पत्र आज यानी कि 25 अप्रैल 2022 को जारी किए जा सकते हैं। BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 8 मई को किया जाएगा, जो कि बिहार के 1083 परीक्षा केंद्रों पर होना प्रस्तावित है। BPSC की इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड सोमवार से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in या फिर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में होगा। इसके लिए राज्य के 38 जिलों में केंद्र बनाने का काम हो चुका है और 6 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। वैशाली के आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास।
ये संग्रहालय 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें खुदाई के दौरान पाई जाने वाली पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ कई शानदार मुकुट, हार, गहने आदि को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की बिना सिर की प्रतिमा लगाई हुई है। इन सामानों के अलावा इस संग्रहालय में गाँव के लोगों के द्वारा आजादी से पूर्व का दिया सामान भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, उमाशंकर की मूर्ति आदि को भी रखा गया। इस संग्रहालय में मध्यकालीन युग का काफी सामान रखा हुआ है। संग्रहालय में 2000 पुरावशेष रखे हुए हैं। यहाँ गुप्तकाल, मयूरकाल और कुहंसकाल के दौरान का भी काफी सामान रखा गया है। चिलचिलाती धूप में कहर बरपा रही है गर्म हवा। अप्रैल महीने में ही इस बार भीषण गर्मी और लू की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार की सुबह कड़ी धूप और धूल भरी पछुआ हवा से लोग परेशान हो गए। अप्रैल में इस तरीके की गर्मी लोगों ने कभी महसूस ही नहीं की थी। आमतौर पर मई महीने में पारा 40 के आसपास पहुंचता था। मौसम में परिवर्तन और भीषण गर्मी के कारण पेयजल संकट गहराने लगा है। विभिन्न जिलों के क्षेत्र में आग उगलती धूप के साथ पछुआ के प्रहार से लोग त्रस्त है। दो दिन से चल रही धूल भरी तेज हवा के कारण सब्जी की फसल भी सूखने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल अभी इस गर्मी से लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में विभाग ने सभी लोगों से अपील की है कि अगर आप भी घर से बाहर निकले तो पानी की बोतल साथ लेकर चले। गुजरात लोक सेवा चयन आयोग ने निकाली रिक्तियां। गुजरात लोक सेवा चयन आयोग ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कुल मिलाकर 3137 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 26 अप्रैल से 10 मई तक आधिकारिक वेबसाइट gpssb.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में मिले कोरोना के 2 मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 16 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 1 और पटना में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 87,423 सैंपल की जाँच हुई। वहीं इस दौरान 2 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। मोबाइल टावर लगाने के लिए बिहार में 3 दस्तावेजों की होगी जरूरत। राज्य के किसी भी शहर में मोबाइल टावर लगाने के लिए स्थानीय शहरी निकाय से अनुमति अनिवार्य है, मगर अब यह अनुमति तभी मिलेगी जब मोबाइल टावर कंपनी 3 तरह के दस्तावेज उपलब्ध करवाएगी। इसमें मोबाइल टावर कंपनी और भूमि या भवन मालिक के बीच लीज इकरारनामा, मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस युक्त निबंधन दस्तावेज शामिल है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस बाबत सभी नगर निगम के आयुक्त और नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक अभियंताओं को पत्र लिखा है। दरअसल मोबाइल टावर की अनुमति देने में अनियमितता का मामला लेकर लेखा परीक्षा के दौरान पकड़ा गया था, इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजेश कुमार की। राजेश कुमार का जन्म 11 जनवरी 1958 को पटना बिहार में हुआ था। राजेश कुमार नुक्कड़ नाटक आंदोलन के शुरुआती दौर 1986 से सक्रिय हैं। अब तक दर्जनों नाटक एवं नुक्कड़ नाट्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आरा की नाट्य संस्था, युवा नीति भागलपुर की दिशा और शाहजहांपुर की नाट्य संस्था अभिव्यक्ति के संस्थापक सदस्य, पेशे से इंजीनियर रहे हैं। सन 2018 में UPPCL के लखनऊ कार्यस्थल में मुख्य अभियंता के पद से वो सेवानिवृत्त रहे हैं। राजेश कुमार की साहित्यिक सांस्कृतिक परवरिश भोजपुर के आरा शहर में हुई नौकरी के सिलसिले में चली सफर भागलपुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर जैसे छोटे कई शहर कस्बों में होते हुए फिलहाल लखनऊ में कहने के लिए स्थिर हुए हैं। शुरुआती कहानी लेखन से किया था उन्होंने, लेकिन नाट्य लेखन, अभिनय और निर्देशन के भी अभिन्न हिस्सा वो बन चुके हैं। बिहार के शहरों में स्थापित होंगे डेटा सेंटर। बिहार के सभी शहरों में जल्द ही डेटा सेंटर स्थापित करने की तैयारी हो रही है। पटना सहित 4 शहरों को IT हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी जारी है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार IT पॉलिसी बना रही है। इसके साथ ही IT सेक्टर में कार्यरत कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। अब तक राज्य भर में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 817 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके तहत ही दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और बक्सर में IT हब की स्थापना के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसको लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निवेश प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कुमार ने कहा है कि हम प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रस्ताव के उचित मूल्यांकन के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। बिहार की आर्यानास OTT प्लेटफॉर्म पर मचा रही है तहलका। OTT प्लेटफॉर्म पर कई नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। इस माध्यम से कई कलाकारों को काफी शोहरत भी मिली है, जिसमें ही एक नाम बिहार के किशनगंज की रहने वाली आलिया नाज का है। आलिया नाज सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे TV सीरियल्स में आ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। इसके बाद उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म की तरफ रुख किया। उन्होंने
उल्लू सिने प्राइम और प्राइम शॉट के लिए भी काम किया है। आलिया की पहली वेब सीरीज मिसेज टीचर प्राइम शॉट पर रिलीज हुई है। आलिया नाज की स्कूल इन किशनगंज के बाल विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो मुंबई में चली गई थी, जहां उन्होंने बीकॉम करने के बाद बॉलीवुड का रुख करते हुए अभिनय की दुनिया में वो उतर गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आलिया का जन्म 27 जनवरी 1988 को हुआ था। बिहार में किसानों के लिए ऑनलाइन लगान कटाना हुआ मुश्किल। बिहार के किसानों के लिए ऑनलाइन लगान कटाना मुश्किल होता जा रहा है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ऑफलाइन लगान जमा करने की व्यवस्था घोषित रूप से 31 मार्च से ही बंद कर दी है। वैसे अघोषित रूप से ये साल भर से बंद है, लिहाजा मालिकों को अपनी जमीन की रसीद अब ऑनलाइन ही कटानी होगी। लेकिन किसान अभी इसके लिए जागरूक नहीं है, आज भी अंचल कार्यालय में ही जाकर रसीद कटाना बेहतर समझते हैं। कई किसान ऐसे हैं जो सरकारी दफ्तर के बाहर काटी गई रसीद को ही फर्जी समझते हैं। ऐसे किसानों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही राजस्व वसूली पर भी इसका असर पड़ा है। पिछले एक महीने से ठीक से काम नहीं हो रहा। राज्य के 10 जिले में तो ये 10 दिनों तक बिल्कुल ही ठप रहा। आज से शुरू होगी बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा। आज से बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा की शुरुआत होने वाली है। बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ समय पहले ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एडमिट कार्ड भी जारी किया था। परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से 4 मई तक किया जाएगा। इसको लेकर प्रवेश पत्र शनिवार को ही जारी किया गया है। बिहार बोर्ड के इंटर कंपार्टमेंटल एग्जाम का आयोजन 2 पालियों में होने वाला है। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक होगी, वहीं दूसरी पाली 1:45 से 5 शाम तक होगी। ध्यान रहे, आज होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर जाने की इजाजत होगी। जूता मोजा पहनकर जाने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित दोनों केंद्र अधीक्षकों को कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा करवाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। 2025 तक बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि कभी भी मुख्यमंत्री दिल्ली जा सकते हैं और उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इसी बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर सब कुछ साफ कर दिया। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए ने चुनाव लड़ा था, इसलिए 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने वाले हैं। किसी तरह का कोई अन्य कयास ना लगाया जाए। जो भी नीतीश कुमार को लेकर स्पेक्यूलेट और प्लांट कर रहे हैं, कुछ भी पूरी तरीके से वो गलत है। कोसी नदी पर नवनिर्मित रेल पुल का उद्घाटन पीएम मोदी से कराने के लिए जारी हुआ पत्र। बिहार के कोसी नदी पर नवनिर्मित रेल पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर ही पूर्व मंत्री सह विधायक नीतीश मिश्रा ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि 88 वर्ष बाद रेल के माध्यम से 2 भागों में विभक्त मिथिला को जोड़ने वाली कोसी नदी पर नवनिर्मित रेल पुल से सहरसा से सुपौल, निर्मली, तमुरिया, झंझारपुर होकर दरभंगा तक रेल परिचालन शीघ्र प्रारंभ होने के आसार है। पूर्व मंत्री सह झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने रेल मंत्री को पत्र प्रेषित कर इस रूट पर रेल परिचालन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के से कराने हेतु आग्रह किया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की 1982 में शुरुआत हुई। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज का नया परिसर 2007 में पनामा में खुला। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक आमिर खान को 2008 को सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय नौसेना ने 2010 में पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एमआई विजयन का 1969 में जन्म हुआ। साहित्यकार चंद्रबली पांडे का 1904 में जन्म हुआ। 2005 में भारतीय संत स्वामी रंगानाथ नंदा का निधन हुआ। अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगा इंस्टाग्राम वाला कूल फीचर। व्हाट्सएप अब एक मैसेजिंग ऐप से आगे निकल चुका है। इसका इस्तेमाल वीडियो कॉलिंग, ऑडियो मैसेजिंग, बड़ी मीडिया फाइल शेयरिंग से लेकर स्टिकर और GIF जैसे मजेदार कामों के लिए भी होने लगा है। व्हाट्सएप में कई ऐसे फीचर और ट्रिक्स हैं जिनके बारे में आप में बहुतों को नहीं पता होगा। ताजा रिपोर्ट में पता लगा है कि अब व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम जैसा ही एक कूल फीचर आने वाला है। WABETA इन्फो ने बताया है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर नया लोकेशन स्टिकर फीचर आ रहा है, जिसका इस्तेमाल व्हाट्सएप स्टेटस के लिए किया जा सकेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने कथित तौर पर बीटा एंड्रॉइड यूजर के लिए एक नया अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव बिहार में 24 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,040 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 53,490 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 117.10 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.88 रुपए प्रति लीटर थे। बिहार में सरकार जूड़ी मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए तैयार। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन एक बार फिर से बिहार में न सिर्फ
बेचिए नहीं बल्कि बनाइए पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग तेजी से आगे बढ़े इसके लिए सरकार हर सेक्टर की पूरी मदद के लिए तैयार है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में आभूषण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगर इस सेक्टर से जुड़े उद्योगपति या कारोबारी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग पार्क की जरूरत महसूस करेंगे तो सरकार इसके लिए तैयार है। ये बात उन्होंने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित B2B आभूषण प्रदर्शनी ज्वेलरी कनेक्ट के शुभारंभ के मौके पर कही। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना में 3 दिनों तक चलने वाले बिजनेस टू बिजनेस आभूषण प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। पप्पू यादव ने भाजपा की तरफ से किसी यादव के बिहार के सीएम बनने के दिए संकेत। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद की तरफ से दिए गए इफ्तार पार्टी का हिस्सा बने थे जिसके बाद से लगातार राजनीति में मानो भूचाल ही आ गया। हालांकि इस मामले को लेकर नीतीश कुमार ने न सिर्फ इसे एक औपचारिकता बताया था लेकिन विपक्ष रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद से अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने तंज कसा है जिसके तहत पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा कहीं नित्यानंद रॉय को मुख्यमंत्री ना बना दे, इस डर से राजद नीतीश कुमार का समर्थन कर सकती है। नीतीश कुमार राजनीतिक प्राणी है और उनका कोई भी कदम बिना राजनीतिक भविष्य के नहीं होता। राजद में बेचैनी है कि कहीं भाजपा किसी यादव को मुख्यमंत्री ना बना दे। मुकेश सहनी ने अमित शाह से पूछे सवाल। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा। उन्होंने मोदी सरकार पर धर्म की राजनीति फैलाने का आरोप तो लगाया ही और उसके बाद कहा कि भले ही ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भगवान लाल सहनी जी को बना दिया गया हो लेकिन 3 साल के कार्यकाल में पिछड़ों के कल्याण के लिए कितना काम हुआ ये भी केंद्रीय मंत्री को बताना चाहिए। इतना ही नहीं, वीआईपी नेता ने दावे से कहा है कि पिछले 3 साल के दौरान पिछड़े अत्यंत पिछड़ों के लिए एक भी कल्याण के काम नहीं हुए हैं और अध्यक्ष बने सहनी जी का कार्यकाल भी पूरा भाजपा के नेता शुरू से ही लोगों को भ्रम में डालने की राजनीति कर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। निषादों के आरक्षण को लेकर पिछले कई सालों से वीआईपी पार्टी आंदोलनरत रही है लेकिन इन्हें सिर्फ बरगलाने का काम भाजपा ने किया है। मुंबई लगातार 8वीं बार हारी, लखनऊ ने दर्ज की शानदार जीत। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 36 रनों से शानदार जीत हासिल की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ की टीम ने 168 के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया और मुंबई की टीम को 132 के स्कोर पर रोक दिया। मुंबई की इस सीजन की लगातार 8वीं हार है और उसके लिए प्लेऑफ के रास्ते भी अब बंद हो चुके हैं जबकि लखनऊ की टीम 5वीं जीत के साथ 4थे स्थान पर पहुंच गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामनवमी माझी, रोहित कुमार सिंह, अजय कुमार, श्री गौतम कुमार, प्रवीण कुमार, संजीव कुमार, दिव्यांशु कुमारी, विकास कुमार, प्रिया यादव, लाल बहादुर कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस जिले को अभी भी विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।